एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अगली खेती आगे आगे, पिछली खेती भागे जोगे। आगे बढ़कर जो समय को पहचान लेता है वही आगे बढ़ जाता है, और जो नहीं पहचान पाता है वो भाग्य के भरोसे रह जाता है। सऊदी अरब के प्रिंस भारत आ रहे हैं G20 की मीटिंग के लिए, लेकिन इसके बाद वो भारत में राजकीय यात्रा पर भी हैं। आखिर सऊदी अरब के साथ भारत क्यों तालमेल बढ़ा रहा है और कितना महत्वपूर्ण है ये, तो वहीं सऊदी अरब भी भारत को क्यों साथ लेकर चल रहा है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी, दूसरी तरफ भारत को बहुत बड़ी खुशखबरी, नागालैंड ने दी और फूट पड़े हैं तेल के कुएं। जानेंगे भारत के लिए ये कैसे सबसे बड़ी खुशखबरी है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी अगर जियोपॉलिटिक्स की बात करें ना, तो मिडिल ईस्ट केंद्र में आ गया है। मिडिल ईस्ट को अपने पाले में लाने के लिए कहीं ना कहीं तीन देश हैं, तीन महाशक्तियां हैं जो लगी हुई हैं, अमेरिका, चाइना और भारत। ये तीनों अपना प्रभाव मिडिल ईस्ट में बनाए रखना चाहते हैं। अमेरिका ने तो अपना बना बनाया प्रभाव खुद से ही तोड़ दिया, और बाइडेन की एक गलती इतनी महंगी पड़ी है कि कुछ ही देर बाद इनको वापस लौटना पड़ा है मनाने के लिए। परिस्थिति अब थोड़ी गंभीर होती जा रही है। हमने एग्जांपल देखा कि किस तरीके से सऊदी अरब ने अब भारत का रास्ता पकड़ते हुए फ्रांस के राफेल विमानों के लिए हाँ बोला, और वो भी एक दो नहीं बल्कि 100-200 राफेल विमानों को खरीद रहा है। यानी पैसे के तौर पर भी अमेरिका को एक बड़ा झटका मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि इजराइल को मिलने वाला था थर्मल पावर प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट चाइना को जा रहा है। मतलब सऊदी अरब भी कहीं ना कहीं सजा दे रहा है अमेरिका को, और अमेरिका को बता रहा है कि देखो तुम्हारे दूर जाने से क्या क्या हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना भी सऊदी अरब के लिए सब कुछ करने को तैयार है। इसका एग्जांपल देखिए, चाइना ने रूस से कहा था कि हम नो लिमिट वाली दोस्ती दिखाएंगे, जय वीरू बनेंगे, लेकिन यहाँ कहानी बदल गई जब सऊदी अरब के प्रिंस ने एक मीटिंग रखी और यूक्रेन के लिए वो मीटिंग रखी, उस मीटिंग में रूस को नहीं बुलाया और चाइना को बुलाया, चाइना वहाँ पहुँच गया, और पहुँचने के बाद चाइना ने रूस की तारीफ नहीं बल्कि यूक्रेन की तारीफ कर दी। भारत तो फिर भी उस मीटिंग में साफ साफ बोल गया कि ऐसा फैसला होना चाहिए जो दोनों पक्ष को मंजूर हो, लेकिन चाइना ने ऐसा कुछ नहीं कहा। और घर आने के बाद चाइना के विदेश मंत्रालय और रूस के विदेश मंत्रालय में बात हुई। कहने का अर्थ ये है कि हर तरफ आग बराबर लगी हुई है, ये किसी भी हद में जाकर मिडिल ईस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब ऐसे में सऊदी अरब के प्रिंस भारत आ रहे हैं G20 की मीटिंग के लिए, और उसके बाद उनकी राजकीय यात्रा शुरू होगी। 9 से 10, और 9 से 10 G20 के लिए है, और उसके बाद जो 11 तारीख है वो है भारत की राजकीय यात्रा के लिए। यहाँ भारत ने अपना सर्वोच्च सम्मान भी देगा। अब ये भी कारण जान लीजिए कि सऊदी अरब और भारत के साथ संबंध भी बढ़ रहे हैं, कई प्रोजेक्ट में भी साथ आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं भारत मिडिल ईस्ट को साथ लेकर ही चलना चाह रहा है। पर ये खबर अभी तक नहीं आई है कि यहाँ आने के बाद क्या वो पड़ोस में भी जाएंगे या फिर वहाँ भी कहानी अधूरी रहेगी। है जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है, और ये खुशखबरी इतनी बड़ी है कि इसका अंदाजा नहीं किया जा सकता था। पर इस खुशखबरी के साथ साथ बहुत सारी समस्याएं भी आई हुई हैं। अगर भारत उन सारी समस्याओं का निदान कर लेता है, जो कि भारत को हर हाल में करना पड़ेगा क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं, तो फिर भारत समझिए कि माला माल हो गया। हमारे देश के कई ऐसे महत्वपूर्ण इलाके हैं जो अब तक अछूते थे,
जिसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया। कुछ ऐसे इलाके हैं जिन्हें जानबूझकर ध्यान नहीं दिया गया और कुछ ऐसे इलाके हैं जिनको ये सोचा गया कि यहाँ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। इस उद्देश्य से उन सारे इलाकों को यूं ही छोड़ दिया गया। भारत ने जब देखा कि भारत को भी रेयर अर्थ मटेरियल के साथ साथ पेट्रोल, गैस, डीजल ये चाहिए, क्योंकि भारत 80% खरीदता है दुनिया भर से, तो फिर भारत ने एक संगठन बनाया और इस संगठन का नाम दिया काबिल। काबिल के हाथों में सौंपा गया अपने देश में, विदेश में, जहाँ जहाँ संभव हो सकता है वहाँ वहाँ पेट्रोलियम, गैस, खनिज पदार्थ, रेयर अर्थ मटेरियल, इन सब के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट अगर कर सकते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट करें, हम अगर एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं तो एक्सप्लोरेशन करें। और इसी क्रम में भारत को एक के बाद एक खजाना मिलता चला गया। जैसा हमने देखा जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से भी खबर आने लगी, अब जाकर खबर आई है नागालैंड को लेकर। कहा जा रहा है कि नागालैंड बॉर्डर के पास एक बहुत बड़ी मात्रा में तेल के होने का पता है और यहाँ पर ONGC ने जब ध्यान दिया तो ONGC को पता चला कि यहाँ पर तेल बहुत बड़ी मात्रा में है। हालांकि अंदाजा बहुत पहले से था कि इस इलाके में तेल है, पर इस इलाके में जैसा मैंने कहा कि तेल का सिर्फ अंदाजा होने से काम नहीं था, इस इलाके में भारत के लिए समस्याएं खड़ी थी। आसान नहीं था कि इस इलाके से आप तेल का उत्खनन करके ले जाओ। अब यहाँ पर भारत की ONGC कंपनी एक्सप्लोरेशन करने के लिए आई, पर कहा जाता है कि जैसा कि ये इलाका दो चीजों से परेशान है, पहली तो ये कि यहाँ पर कई ऐसे गुट बने हुए हैं जो गुट विरोधी हैं और ये यहाँ पर तेल के उत्खनन को पसंद नहीं करते हैं, और दूसरी चीज ये है कि असम और नागालैंड इन दोनों का बॉर्डर मिलता जुलता है और दोनों के बॉर्डर में जो ये एक्सप्लोरेशन हो रहा है या तेल मिल रहा है तो उसको लेकर दोनों के बीच टेंशन है, क्योंकि एक बड़े इलाके को डिस्प्यूटेड इलाका माना जाता है। जो इलाका है वो इलाका कुछ इस तरीके का है कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कहा जा रहा है अपर असम में है, तो वहीं नागालैंड के 3000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिए पर उत्खनन है। हालांकि ये सब कुछ एक अंदाजा है, अभी तक ये झंझट बरकरार है जिसकी वजह से यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस दिन यहाँ से तेल निकाले गए हमारे 10 से 15 साल का समस्या खत्म हो सकता है, पर अब सरकार इस मामले में आगे बढ़ रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही बॉर्डर वाले देश की सरकारें, राज्य सरकारें आपस में बात कर रही हैं और फिर जो भारत की संस्था है वो भी इसमें बात कर रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हो ताकि इस तेल का फायदा भारत उठा सके। आप देख सकते हैं ऑयल इंडिया के चीफ हैं रंजीत रात, इन्होंने कहा है कि हम लोग अब असम नागालैंड बॉर्डर पर जो भी डिस्प्यूट है उस पर बात कर रहे हैं और एक मिशन बना रहे हैं कि जल्द से जल्द हम यहां से तेल निकाल पाएं। 19 अगस्त की ये खबर है। भारत के लिए ये किसी बड़े खजाने से कम नहीं है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।